जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, तालियां वो बजाओ जिनके हाथों में दम है। तो जिनके हाथों में दम है थोड़ा दमशम दिखाए और जोरदार तालियां बजाइए। तो बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। इस देश को ये हुआ क्या, कहीं चिड़चिड़ाहट तो कोई रूठा रूठा सा। कैसी ये लत लगेगी सबको भूल ही जाए, आसमां और तितलियों को जैसे छूना ही भूल जाए। एक जमाना सा था जब लोग लोग से थे, अधूरी कभी बातें जो भी कभी मिल भी जाती थी, पर अब मानो जैसे जैसे कि हम ही ने हम ही को हम ही से छीन लिया। बढ़ गई है दिलों की दिलों से दूरियां, किस तरह होंगी अब ये हमारी कमियां। सोचिए सोचिए, क्या हो सकती है वो चीज जो आपको भी सोच में डाल दे और हमारे सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है। देखो भाई, अब नाच गाना तो चलता रहेगा, अब चलते हैं हमारे कलाकारों की ओर। अपने भावों और अतरंगी अंदाज को लेकर, एक नई कहानी लेकर, कुछ नए सुझाव समेट कर, वही पुरानी पर ना समझने वाली बात को लेकर विशेष रूप से अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आ गए आप लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। मैं दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऐप बन गया हूँ। मैं लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में प्रमुख पात्र निभाता हूँ। मोबाइल के मैं माध्यम से लोग अपने मोबाइल के द्वारा टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ आवाज, छवि और जीपीएस के द्वारा अपना पता भी भेज सकते हैं। मैं वॉइस और वीडियो कॉल में भी इस्तेमाल होता हूँ, जिसमें इंटरनेट का डेटा इस्तेमाल होता है। मुझे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी चलाया जा सकता है। सबकी नींद और चैन हराम करने वाला मैं हूँ व्हाट्सएप। मैं मुख्य रूप से एक यूजर, एक पब्लिशर और एक एडवर्टाइजर को ध्यान में रखकर काम करता हूँ। मुझे इस्तेमाल करने वाला हर एक व्यक्ति यूजर कहलाता है। मैं समय के साथ साथ अपने सर्च इंजन में अपडेट्स करता रहता हूँ, ताकि मैं अपने यूजर्स को एक बेहतर सेवा प्रदान कर सकूं। समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल सही, मैं वही हूँ। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जान सकता। मैं आर्टिफिशियल वर्ल्ड का बादशाह हूँ, बादशाह। अब मुझसे भी रूबरू हो जाइए। मेरा नाम है ट्विटर। जी हाँ, ट्विटर। आसानी से मेरी मदद से जानी मानी हस्तियां अपने फैन और फॉलोअर्स बना सकती हैं। मेरी मदद से देश विदेश की जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त की जा सकती है। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को फॉलो करके उनके बारे में ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेरे माध्यम से आसानी से अफवाहें फैलाए जा सकते हैं। मेरी लत सबसे खतरनाक है। मैं हूँ इंस्टाग्राम। मैं एक ऐसी फीचर हूँ जिसके जरिए आप दुनिया के सामने अपने कंटेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। मेरे पास यह फीचर प्रोफेशनल अकाउंट के नाम से होता है। मैं एक ऐसी ऐप हूँ जो अपने मोबाइल के जरिए
फोटोज और वीडियोस शेयरिंग पर जोर देती हूँ। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हूँ। बहुत बार आप देखते हैं कि लोग मेरे माध्यम से अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। वे इस पर कुछ ऐसी तस्वीरों को अपलोड कर देते हैं जो अफवाह फैलाने का काम करती है। बहुत बार नकली तस्वीरों को असली बताकर फैलाती हूँ। मुझ पर अपलोड होने वाले फर्जी फोटो निरंतर वायरल होते रहते हैं। और मुझे तो तुम लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। आखिर ये सोशल मीडिया का दौर मुझसे ही तो शुरू हुआ है। और सुना है कि तुम्हारी ये दुनिया जल्द ही हमारे इशारों पर नाचेगी। मम्मा, 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 क्या है? मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे हैं। अब समझा दोगी ना? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने नहीं समझाया क्या? समझाया था और समझ में भी आया था, पर मैं भूल गई। बेटा तुम देखती नहीं हो कि मैं कितनी बिजी हूँ, तुम अपने पापा के पास जाकर पूछ लो। अब जाओ ना। ओके मम्मा। पापा, 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 क्या है? कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है। तो मैं क्या करूं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, अब समझा दो ना। बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं तुम्हें आकर पढ़ा देता हूँ। ओके पापा। ना पापा के पास मेरे लिए टाइम है, ना मम्मा के पास मेरे लिए टाइम है, कोई मुझे समझाता ही नहीं है। पापा आ गए। पापा अब तो आप मुझे समझाओगे ना? सॉरी बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ऑफिस का टेंशन भी है, तुम अपनी मम्मी के पास चली जाओ। गुड गर्ल। ओके पापा। मम्मा, 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 क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो? क्या पूरा दिन फोन में बिजी रहती हो? मैं सुबह से बोल रही हूँ, मुझे ये समझा दो, अगर मैं मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गई तो। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके मम्मा। उफ ओ, कितना टाइम हो गया, मम्मा अभी तक नहीं आई, अब मैं क्या करूं? पापा भी नहीं समझा रहे हैं, मम्मी नहीं समझा रही है, दोनों भी बिजी है। आइडिया। गूगलम शरणम गच्छामि, गूगलम शरणम गच्छामि। अरे वाह, मेरे फेवरेट यूट्यूब चैनल ने एक नया वीडियो डाला है, जरा देख तो लूं। ये देखो हमारा नया शिकार, हमने कितनों को अपने जाल में फंसाया, आज इसे भी फंसा लेंगे। सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया। अरे बाप रे, 12:30 बज गए, कल मेरा एग्जाम भी तो है, मुझे कल जल्दी उठना है, मुझे अभी सो जाना चाहिए। सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें। नेहा तेरी एग्जाम की तैयारी हो गई?
मेरी तो एग्जाम की तैयारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। प्रिया, क्या तेरी एग्जाम की तैयारी हो गई? अरे यार मत पूछो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रिया, सॉरी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। प्रिया, तुम कहाँ खोई हुई रहती हो? सभी को पता है आज आपका एग्जाम है। यस मैम। तो किसका इंतजार कर रहे हो? बैग बाहर रख दो। दिव्या, नेहा, प्रिया, शीतल, अरे बाप रे, मुझे तो कुछ भी सम सॉल्व करने नहीं आ रहा है। काश मैंने फोन देखने की जगह पर पढ़ लिया होता। काश मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझा दिया होता तो आज मैं कुछ ना कुछ सॉल्व कर पाती। मैम शीट। प्रिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम लिख क्यों नहीं रही हो? जल्दी लिखो, टाइम खत्म हो रहा है। ओके मैम। चलो बच्चों, टाइम अप, पेपर दे दो। मैम एक मिनट। मैम प्लीज एक मिनट। मैम एक मिनट। प्रिया पेपर लाओ। मैम एक मिनट मैम प्लीज। नहीं बेटा, अभी टाइम खत्म हो गया है, जल्दी लाओ पेपर। मैम एक मिनट। दिव्या, तेरा एग्जाम कैसे हुआ? मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है, तेरा कैसे गया? मेरा भी बहुत बढ़िया गया है। प्रिया, तेरा एग्जाम कैसे हुआ? उसके बारे में मत याद दिलाओ तो ही अच्छा रहेगा। दिव्या, तुझे मालूम है आज मैडम पेपर दिखाने वाली है। क्या, मैथ्स का पेपर? क्या मैथ्स का पेपर? बहुत बढ़िया आने वाला है। हाँ मैम, आज मैथ्स का पेपर दिखाने वाली है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रिया। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो सब रेडी है अपने मैथ्स का पेपर देखने के लिए? यस मैम। चलो बारी बारी आओ और अपना पेपर लेके जाओ। दिव्या, नेहा, प्रिया, शीतल, दिव्या तुझे कितने मार्क्स मिले? मुझे तो 40 out of 40 मिले हैं। तुझे? मेरे को तो 39 मिले हैं। प्रिया, तेरे को कितने मिले? अरे यार मत पूछो। चलो बच्चों पेपर दे दो। दिव्या पेपर, नेहा, प्रिया। प्रिया, तुम हमेशा कितना अच्छा करती हो, अब की बार तुम्हें क्या हो गया? सॉरी मैम। कल अपने पेरेंट्स को बुला कर आना, मुझे उनसे बात करनी है। ओके मैम। अरे प्रिया को क्या हुआ? क्या हुआ? जाओ शीतल, जल्दी से पानी लेकर आओ। मैं अभी आई। मैं मैम को बुला के लाती हूँ। मैम मैम, प्रिया नीचे गिर गई है चक्कर आके, जल्दी से चलिए। अरे इसे क्या हो गया? हेलो डॉक्टर। हेलो। हमारे स्कूल में एक बच्ची बेहोश हो गई, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है मैम, मैं अभी आता हूँ। हेलो प्रिया की मम्मी। हाँ। आपकी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है, आप जल्दी से आ जाइए। क्या, प्रिया की तबीयत बिगड़ गई है? हाँ मैं आती हूँ। हेलो प्रिया के पापा। हाँ हेलो। आप जल्दी से स्कूल आ जाओ, स्कूल से कॉल आया था कि प्रिया की तबीयत बिगड़ गई है। क्या, प्रिया की तबीयत बिगड़ गई है? हाँ हाँ, मैं अभी निकलता हूँ।
मैम, मेरी बेटी को क्या हुआ है? मैथ्स में कम मार्क्स आने के कारण वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया के हद से ज्यादा उपयोग के कारण आपके बच्चे की हालत हुई है। अभी इसे अपनेपन की जरूरत है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। थैंक यू डॉक्टर। आपके बच्चे की हालत ऐसी इसलिए हुई है क्योंकि आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बच्चे वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स या फिर उनके बड़े भाई बहन करते हैं। अगर आप उनके सामने कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे। मोबाइल के कारण बच्चे माता पिता के कवरेज एरिया से बाहर होते जा रहे हैं। बच्चों की आदतों को सुधारने की जिम्मेदारी अभी आपके हाथों में है। यस मैम। थैंक यू मैम। पता नहीं कैसा वक्त आ गया है, हम अपनों से ज्यादा समय सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बनाते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम सोशल मीडिया का हद से ज्यादा उपयोग करके भूल रहे हैं कि अब सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। इसके पहले कि सोशल मीडिया हमें अपने पंजों में जकड़ ले, हमें उस पे काबू पाना होगा। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हमारे नाटक का उद्देश्य यह है कि सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से दूर रखें। धन्यवाद। हेलो, मे हैव योर अटेंशन प्लीज। Student volunteers and the teachers in charge of discipline are requested to take a round. Many are seen roaming around and most of them are having their mobile phones. Kindly restrict the use of mobile phones. And here we are recording all the programs and will be sent to the class WhatsApp groups. So it's a kind request to restrict the use of mobile phone, if possible, not to use it. And student volunteers and the discipline in charge teachers, please take charge of. Thank you. सच है या हकीकत, कहानी छिपी पर्दे पीछे, क्या समझी आपने सबक जो आप सबको सूझे? बताइए बताइए, क्या आप सभी को इस कहानी से कुछ सीखने को मिला? बोलिए। जरूर मिला होगा, इतना शानदार प्रदर्शन जो था, तो तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती है उनके परफॉर्मेंस के लिए। देखिए, अभी जो अगला कार्यक्रम होने वाला है उसमें जरा सी देरी हो सकती है,
तो तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना मन बनाए रखें और अपने कुर्सियों से ना उठें। पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, तब तक मैं आपके मनोरंजन के लिए बुलाना चाहूंगी सुभद्रा मैम और रफीक सर को, तो तालियों से उनका स्वागत करें। चलो देखो।